Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Children, yesterday in maths we studied what comes after. ठीक है? After का क्या मतलब होता है? बाद में. एक के बाद जब कोई एक चीज आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? After. ठीक है? बाद में का मतलब होता है after. Okay? So today in maths we are going to revise what comes after. ओके मैम ने अभी यहाँ पे देखो बोर्ड में कुछ ड्रॉ किया है कुछ ऑब्जेक्ट के पिक्चर है ना. सबसे पहले क्या है ये बैट. ठीक है क्या है ये बैट. नाउ चिल्ड्रन व्हाट कम्स आफ्टर द बैट. अभी मैम ने क्या वर्ड यूज किया आफ्टर. ठीक है मैम ने अभी आपसे क्या पूछा व्हाट कम्स आफ्टर द बैट. तो आफ्टर का क्या मतलब होता है बाद में है ना. तो बैट के बाद यहां पर क्या है बॉल. ठीक है क्या है बॉल. तो हम क्या बोलेंगे द बॉल कम्स आफ्टर द बैट. ठीक है द बॉल कम्स आफ्टर द बैट यानी बॉल बैट के बाद में आया है ना. बॉल बैट के बाद में है आफ्टर. ओके नाउ चिल्ड्रन व्हाट इज दिस. दिस इज अ जग. ठीक है जग. नाउ व्हाट कम्स आफ्टर द जग. जग के बाद यहां पर क्या है ग्लास है ना. देखो पहले क्या है जग. ठीक है और जग के बाद में क्या है ग्लास. तो हम क्या बोलेंगे द ग्लास कम्स आफ्टर द जग. ठीक है द ग्लास कम्स आफ्टर द जग. पहले यहां पर क्या है जग. जग के बाद क्या है ग्लास. तो आप क्या बोलोगे द ग्लास कम्स आफ्टर द जग. ओके नाउ मैम इज गोइंग टू ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स और आप बताओगे कि कौन सा किसके बाद में आता है. ओके चिल्ड्रन कैन यू सी टू पिक्चर्स हियर. दो फ्रूट्स है ना. सबसे पहले यहाँ पे क्या है मैंगो. ठीक है क्या है ये मैंगो. मैंगो यानी आम. ठीक है नाउ चिल्ड्रन व्हाट कम्स आफ्टर मैंगो. मैंगो के बाद क्या है ग्रेप्स. ठीक है ग्रेप्स यानी अंगूर है ना. तो मैंगो के बाद में यहां पर क्या है ग्रेप्स. ठीक है क्या है ग्रेप्स. तो आप क्या बोलोगे द ग्रेप्स कम आफ्टर द मैंगो. ठीक है द ग्रेप्स आर आफ्टर द मैंगो. आफ्टर का मतलब होता है बाद में. तो मैम ने आपसे क्या पूछा था कि व्हाट कम्स आफ्टर द मैंगो यानी मैंगो के बाद क्या है. तो आपको क्या बोलना है द ग्रेप्स आर आफ्टर द मैंगो यानी मैंगो के बाद यहां ग्रेप्स है. ओके कुछ समझ में आया बाद में का क्या मतलब होता है. ठीक है और बाद में को हम क्या कहते हैं आफ्टर. ओके चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स आफ्टर. अभी मैम ने आपको बोर्ड पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके समझाया है ना. तो आफ्टर का क्या मतलब होता है बाद में है ना. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं आफ्टर. आफ्टर यानी बाद में. ओके नाउ चिल्ड्रन वी विल अगेन अंडरस्टैंड व्हाट कम्स आफ्टर फ्रॉम बुक. बुक से हम दोबारा समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज ऑन व्हाट कम्स आफ्टर. ओके ओके चिल्ड्रन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कम्स आफ्टर.
नाउ चिल्ड्रेन, इन द फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्या है, दो फ्रूट्स हैं, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल, ठीक है. ये क्या है? एप्पल. नाउ चिल्ड्रेन, व्हाट कम्स आफ्टर एप्पल? एप्पल के बाद में यहाँ क्या है? मैम ने क्या बोला? व्हाट कम्स आफ्टर. आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद में, है ना. क्या होता है? बाद में. तो यहाँ पे एप्पल के बाद क्या है? बनाना, ठीक है. क्या है? बनाना. सो द बनाना इज आफ्टर द एप्पल, ठीक है. बनाना एप्पल के बाद में है. ओके, तो आपको क्या बोलना है? द बनाना इज आफ्टर द एप्पल. बाद में का मतलब होता है आफ्टर. ओके, नाउ चिल्ड्रेन, इन द सेकेंड बॉक्स यहाँ पर क्या है? दिस इज अ फ्लावर, है ना. फ्लावर यानी फूल, ठीक है. नाउ चिल्ड्रेन, व्हाट कम्स आफ्टर द फ्लावर, यानी इस फूल के बाद, फ्लावर के बाद यहाँ पर क्या है? लीफ, ठीक है. लीफ यानी पत्ता, है ना. तो फ्लावर के बाद यहाँ पे क्या है? लीफ. सो द लीफ इज आफ्टर द फ्लावर, ठीक है. द लीफ इज आफ्टर द फ्लावर. आफ्टर का मतलब बाद में, ठीक है. तो मैम ने आपसे क्या पूछा? व्हाट इज आफ्टर द फ्लावर? तो मैम ने जब बोला कि फ्लावर के बाद आफ्टर क्या है, तो आप बोलोगे द लीफ इज आफ्टर द फ्लावर, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे फ्लावर के बाद में है लीफ, है ना. पहले फ्लावर है, फिर लीफ है, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे? द लीफ इज आफ्टर द फ्लावर. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आफ्टर का मतलब होता है बाद में. ओके,